हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में फाइटर के 11वें दिन कितना कलेक्शन कर सकती है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई में आई भयानक गिरावट से स्टेट्स विशेष में परेशान थे, लेकिन अब सेकेंड वीकेंड में जबरदस्त कम बैक करके सभी को हैरान कर दिया है। ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई का ग्राफ दूसरे वीकेंड में फिर चढ़ता नजर आ रहा है। फर्स्ट वीकेंड के बाद जहां सोमवार को फिल्म की कमाई कर गिरी थी, वही दूसरे वीकेंड में फिर एक बार फिर उसी लेवल पर उठती हुई दिख रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने सेकेंड वीकेंड के शुक्रवार को 5,57,00,000 का कमाई कर ली है। वही शनिवार को इस फिल्म ने 10,05,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 162,75,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की शनिवार की कमाई में 82.61% का उछाल देखने को मिल रहा है। सोनीमिक की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म मार को अच्छा बिजनेस कर सकती है। रविवार के लिए फैन ने 3,06,00,000 की टिकट एडवांस में बुक कर ली है। बाकी इसका बिजनेस सोमवार तक साफ हो जाएगा। फिल्म पहले हफ्ते में 146 करोड़ का बिजनेस करने के बाद दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है। अब देखना यह होगा कि क्या सिद्धार्थ आनंद के निर्देशक में बनी यह फिल्म 250 करोड़ का आंकड़ा छू पाएंगी। फिल्म के लिए यह नंबर टच करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही फाइटर प्रॉफिट जोन में इंटर करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए है और इस आंकड़े को पार करने के बाद फिल्म कमाई करेंगी, वे मेकर्स का मुनाफा होगा। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के अलावा फिल्म में अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर ने अहम भूमिका निभाई है। जबरदस्त एक्शन थ्रिलर का डोज देती इस फिल्म को IMDb पर 1 रेटिंग मिली है। फिल्म की कमाई में पहले वीकेंड के बाद आई गिरावट से स्टेट विशेष में परेशान नजर आए थे। तरण आदर्श और सुमित कान ने इस स्टेट को इंडस्ट्री के लिए खतरनाक बताया था। फाइटर की कहानी के बारे में बात करें तो फाइटर देशभक्ति पर आधारित एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें भारतीय वायुसेना के जीवन को दिखाया गया है। फिल्म पुलवामा अटैक के बैकड्रॉप को लेकर बनाई गई है। यह कहानी है स्काउडर लीडर शमशेरा यानी ऋतिक रोशन, मीनार राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण और कैप्टन राकेश जयसिंह यानी अनिल कपूर की है। यह तीनों कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए हमले से मारे गए 40 जवानों का बदला आतंकवादी अजगर अख्तर यानी ऋषभ सहानी से लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में फाइटर के 11वें दिन कितना कलेक्शन कर सकती है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई में आई भयानक गिरावट से स्टेट्स विशेष में परेशान थे, लेकिन अब सेकेंड वीकेंड में जबरदस्त कम बैक करके सभी को हैरान कर दिया है। ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई का ग्राफ दूसरे वीकेंड में फिर चढ़ता नजर आ रहा है। फर्स्ट वीकेंड के बाद जहां सोमवार को फिल्म की कमाई कर गिरी थी, वही दूसरे वीकेंड में फिर एक बार फिर उसी लेवल पर उठती हुई दिख रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने सेकेंड वीकेंड के शुक्रवार को 5,57,00,000 का कमाई कर ली है। वही शनिवार को इस फिल्म ने 10,05,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 162,75,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की शनिवार की कमाई में 82.61% का उछाल देखने को मिल रहा है। सोनीमिक की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म मार को अच्छा बिजनेस कर सकती है। रविवार के लिए फैन ने 3,06,00,000 की टिकट एडवांस में बुक कर ली है।
बाकी इसका बिजनेस सोमवार तक साफ हो जाएगा। फिल्म पहले हफ्ते में 146 करोड़ का बिजनेस करने के बाद दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है। अब देखना यह होगा कि क्या सिद्धार्थ आनंद के निर्देशक में बनी यह फिल्म 250 करोड़ का आंकड़ा छू पाएगी। फिल्म के लिए यह नंबर टच करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही फाइटर प्रॉफिट जोन में इंटर करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए है और इस आंकड़े को पार करने के बाद फिल्म कमाई करेंगी वे मेकर्स का मुनाफा होगा। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के अलावा फिल्म में अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर ने अहम भूमिका निभाई है। जबरदस्त एक्शन थ्रिलर का डोज देती इस फिल्म को IMDb पर 8 रेटिंग मिली है। फिल्म की कमाई में पहले वीकेंड के बाद आई गिरावट से स्टेट विशेष में परेशान नजर आए थे। तरण आदर्श और सुमित कान ने इस स्टेट को इंडस्ट्री के लिए खतरनाक बताया था। फाइटर की कहानी के बारे में बात करें तो फाइटर देशभक्ति पर आधारित एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें भारतीय वायुसेना के जीवन को दिखाया गया है। फिल्म पुलवामा अटैक के बैकड्रॉप को लेकर बनाई गई है। यह कहानी है स्काउडर लीडर शमशेरा यानी ऋतिक रोशन, मीनार राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण और कैप्टन राकेश जयसिंह यानी अनिल कपूर की है। यह तीनों कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए हमले से मारे गए 40 जवानों का बदला आतंकवादी अजगर अख्तर यानी ऋषभ सहानी से लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में फाइटर के 11वें दिन कितना कलेक्शन कर सकती है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई में आई भयानक गिरावट से स्टेट विशेष न परेशान थे, लेकिन अब सेकेंड वीकेंड में जबरदस्त कमबैक करके सभी को हैरान कर दिया है। ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई का ग्राफ दूसरे वीकेंड में फिर चढ़ता नजर आ रहा है। फर्स्ट वीकेंड के बाद जहां सोमवार को फिल्म की कमाई कर गिरी थी, वही दूसरे वीकेंड में फिर एक बार फिर उसी लेवल पर उठती हुई दिख रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने सेकेंड वीकेंड के शुक्रवार को 5,57,00,000 का कमाई कर ली है। वही शनिवार को इस फिल्म ने 10,05,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 162,75,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की शनिवार की कमाई में 82.61% का उछाल देखने को मिल रहा है। सोनीमिक की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म मार को अच्छा बिजनेस कर सकती है। रविवार के लिए फैन ने 3,06,00,000 की टिकट एडवांस में बुक कर ली है। बाकी इसका बिजनेस सोमवार तक साफ हो जाएगा। फिल्म पहले हफ्ते में 146 करोड़ का बिजनेस करने के बाद दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है। अब देखना यह होगा कि क्या सिद्धार्थ आनंद के निर्देशक में बनी यह फिल्म 250 करोड़ का आंकड़ा छू पाएगी। फिल्म के लिए यह नंबर टच करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही फाइटर प्रॉफिट जोन में इंटर करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए है और इस आंकड़े को पार करने के बाद फिल्म कमाई करेंगी वे मेकर्स का मुनाफा होगा। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के अलावा फिल्म में अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर ने अहम भूमिका निभाई है। जबरदस्त एक्शन थ्रिलर का डोज देती इस फिल्म को IMDb पर 8 रेटिंग मिली है। फिल्म की कमाई में पहले वीकेंड के बाद आई गिरावट से स्टेट विशेष में परेशान नजर आए थे। तरण आदर्श और सुमित कान ने इस स्टेट को इंडस्ट्री के लिए खतरनाक बताया था। फाइटर की कहानी के बारे में बात करें तो फाइटर देशभक्ति पर आधारित एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें भारतीय वायुसेना के जीवन को दिखाया गया है। फिल्म पुलवामा अटैक के बैकड्रॉप को लेकर बनाई गई है। यह कहानी
है स्काउडर लीडर शमशेरा यानी ऋतिक रोशन, मीना राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण और कैप्टन राकेश जयसिंह यानी अनिल कपूर की है। ये तीनों कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए हमले से मारे गए 40 जवानों का बदला आतंकवादी अजगर अख्तर यानी ऋषभ सहानी से लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में फाइटर के 11वें दिन कितना कलेक्शन कर सकती है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई में आई भयानक गिरावट से स्टेट विशेष न परेशान थे, लेकिन अब सेकेंड वीकेंड में जबरदस्त कमबैक करके सभी को हैरान कर दिया है। ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई का ग्राफ दूसरे वीकेंड में फिर चढ़ता नजर आ रहा है। फर्स्ट वीकेंड के बाद जहां सोमवार को फिल्म की कमाई कर गिरी थी, वही दूसरे वीकेंड में फिर एक बार फिर उसी लेवल पर उठती हुई दिख रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने सेकेंड वीकेंड के शुक्रवार को 5,57,00,000 का कमाई कर ली है। वही शनिवार को इस फिल्म ने 10,05,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 162,75,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की शनिवार की कमाई में 82.61% का उछाल देखने को मिल रहा है। सोनीमिक की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म मार को अच्छा बिजनेस कर सकती है। रविवार के लिए फैन ने 3,06,00,000 की टिकट एडवांस में बुक कर ली है। बाकी इसका बिजनेस सोमवार तक साफ हो जाएगा। फिल्म पहले हफ्ते में 146 करोड़ का बिजनेस करने के बाद दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है। अब देखना यह होगा कि क्या सिद्धार्थ आनंद के निर्देशक में बनी यह फिल्म 250 करोड़ का आंकड़ा छू पाएगी। फिल्म के लिए यह नंबर टच करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही फाइटर प्रॉफिट जोन में इंटर करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए है और इस आंकड़े को पार करने के बाद फिल्म कमाई करेंगी वे मेकर्स का मुनाफा होगा। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के अलावा फिल्म में अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर ने अहम भूमिका निभाई है। जबरदस्त एक्शन थ्रिलर का डोज देती इस फिल्म को IMDb पर 1 रेटिंग मिली है। फिल्म की कमाई में पहले वीकेंड के बाद आई गिरावट से स्टेट विशेष में परेशान नजर आए थे। तरण आदर्श और सुमित कांत ने इस स्टेट को इंडस्ट्री के लिए खतरनाक बताया था। फाइटर की कहानी के बारे में बात करें तो फाइटर देशभक्ति पर आधारित एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें भारतीय वायुसेना के जीवन को दिखाया गया है। फिल्म पुलवामा अटैक के बैकड्रॉप को लेकर बनाई गई है। यह कहानी है स्काउडर लीडर शमशेरा यानी ऋतिक रोशन, मीना राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण और कैप्टन राकेश जयसिंह यानी अनिल कपूर की है। यह तीनों कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए हमले से मारे गए 40 जवानों का बदला आतंकवादी अजगर अख्तर यानी ऋषभ सहानी से लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में फाइटर के 11वें दिन कितना कलेक्शन कर सकती है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई में आई भयानक गिरावट से स्टेट विशेष न परेशान थे, लेकिन अब सेकेंड वीकेंड में जबरदस्त कमबैक करके सभी को हैरान कर दिया है। ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई का ग्राफ दूसरे वीकेंड में फिर चढ़ता नजर आ रहा है। फर्स्ट वीकेंड के बाद जहां सोमवार को फिल्म की कमाई कर गिरी थी, वही दूसरे वीकेंड में फिर एक बार फिर उसी लेवल पर उठती हुई दिख रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने सेकेंड वीकेंड के शुक्रवार को 5,57,00,000 का कमाई कर ली है। वही शनिवार को इस फिल्म ने 10,05,00,000 का कलेक्शन कर लिया है।
डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 162.75 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की शनिवार की कमाई में 82.61% का उछाल देखने को मिल रहा है। सोनीमिक की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म मार को अच्छा बिजनेस कर सकती है। रविवार के लिए फैन ने 3.06 करोड़ की टिकट एडवांस में बुक कर ली है। बाकी इसका बिजनेस सोमवार तक साफ हो जाएगा। फिल्म पहले हफ्ते में 146 करोड़ का बिजनेस करने के बाद दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है। अब देखना यह होगा कि क्या सिद्धार्थ आनंद के निर्देशक में बनी यह फिल्म 250 करोड़ का आंकड़ा छू पाएगी। फिल्म के लिए यह नंबर टच करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही फाइटर प्रॉफिट जोन में इंटर करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए है और इस आंकड़े को पार करने के बाद फिल्म कमाई करेंगी वे मेकर्स का मुनाफा होगा। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के अलावा फिल्म में अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर ने अहम भूमिका निभाई है। जबरदस्त एक्शन थ्रिलर का डोज देती इस फिल्म को IMDb पर 8 रेटिंग मिली है। फिल्म की कमाई में पहले वीकेंड के बाद आई गिरावट से स्टेट विशेष में परेशान नजर आए थे। तरण आदर्श और सुमित कान ने इस स्टेट को इंडस्ट्री के लिए खतरनाक बताया था। फाइटर की कहानी के बारे में बात करें तो फाइटर देशभक्ति पर आधारित एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें भारतीय वायुसेना के जीवन को दिखाया गया है। फिल्म पुलवामा अटैक के बैकड्रॉप को लेकर बनाई गई है। यह कहानी है स्काउडर लीडर शमशेरा यानी ऋतिक रोशन, मीनाल राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण और कैप्टन राकेश जयसिंह यानी अनिल कपूर की है। यह तीनों कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए हमले से मारे गए 40 जवानों का बदला आतंकवादी अजगर अख्तर यानी ऋषभ सहानी से लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में फाइटर के 11वें दिन कितना कलेक्शन कर सकती है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई में आई भयानक गिरावट से स्टेट विशेष में परेशान थे, लेकिन अब सेकेंड वीकेंड में जबरदस्त कमबैक करके सभी को हैरान कर दिया है। ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई का ग्राफ दूसरे वीकेंड में फिर चढ़ता नजर आ रहा है। फर्स्ट वीकेंड के बाद जहां सोमवार को फिल्म की कमाई कर गिरी थी वही दूसरे वीकेंड में फिर एक बार फिर उसी लेवल पर उठती हुई दिख रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने सेकेंड वीकेंड के शुक्रवार को 5.57 करोड़ का कमाई कर ली है। वही शनिवार को इस फिल्म ने 10.05 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 162.75 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की शनिवार की कमाई में 82.61% का उछाल देखने को मिल रहा है। सोनीमिक की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म मार को अच्छा बिजनेस कर सकती है। रविवार के लिए फैन ने 3.06 करोड़ की टिकट एडवांस में बुक कर ली है। बाकी इसका बिजनेस सोमवार तक साफ हो जाएगा। फिल्म पहले हफ्ते में 146 करोड़ का बिजनेस करने के बाद दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है। अब देखना यह होगा कि क्या सिद्धार्थ आनंद के निर्देशक में बनी यह फिल्म 250 करोड़ का आंकड़ा छू पाएगी। फिल्म के लिए यह नंबर टच करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही फाइटर प्रॉफिट जोन में इंटर करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए है और इस आंकड़े को पार करने के बाद फिल्म कमाई करेंगी वे मेकर्स का मुनाफा होगा। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के अलावा फिल्म में अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर ने अहम भूमिका निभाई है। जबरदस्त एक्शन थ्रिलर का डोज देती इस फिल्म को IMDb पर 8 रेटिंग मिली है। फिल्म की कमाई में
पहले वीकेंड के बाद आई गिरावट से स्टेट विशेष में परेशान नजर आए थे। तरण आदर्श और सुमित कान ने इस टेक्स को इंडस्ट्री के लिए खतरनाक बताया था। फाइटर की कहानी के बारे में बात करें तो फाइटर देशभक्ति पर आधारित एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें भारतीय वायुसेना के जीवन को दिखाया गया है। फिल्म पुलवामा अटैक के बैकड्रॉप को लेकर बनाई गई है। यह कहानी है स्काउडर लीडर शमशेरा यानी ऋतिक रोशन, मीनाल राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण और कैप्टन राकेश जयसिंह यानी अनिल कपूर की है। यह तीनों कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए हमले से मारे गए 40 जवानों का बदला आतंकवादी अजगर अख्तर यानी ऋषभ सहानी से लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में फाइटर के 11वें दिन कितना कलेक्शन कर सकती है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई में आई भयानक गिरावट से स्टेट्स विशेषज्ञ परेशान थे, लेकिन अब सेकेंड वीकेंड में जबरदस्त कमबैक करके सभी को हैरान कर दिया है। ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई का ग्राफ दूसरे वीकेंड में फिर चढ़ता नजर आ रहा है। फर्स्ट वीकेंड के बाद जहां सोमवार को फिल्म की कमाई कर गिरी थी, वही दूसरे वीकेंड में फिर एक बार फिर उसी लेवल पर उठती हुई दिख रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने सेकेंड वीकेंड के शुक्रवार को 5,57,00,000 का कमाई कर ली है। वही शनिवार को इस फिल्म ने 10,05,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 162,75,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की शनिवार की कमाई में 82.61% का उछाल देखने को मिल रहा है। सोनेमिक की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म मार को अच्छा बिजनेस कर सकती है। रविवार के लिए फैन ने 3,06,00,000 की टिकट एडवांस में बुक कर ली है। बाकी इसका बिजनेस सोमवार तक साफ हो जाएगा। फिल्म पहले हफ्ते में 146 करोड़ का बिजनेस करने के बाद दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है। अब देखना यह होगा कि क्या सिद्धार्थ आनंद के निर्देशक में बनी यह फिल्म 250 करोड़ का आंकड़ा छू पाएगी। फिल्म के लिए यह नंबर टच करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही फाइटर प्रॉफिट जोन में इंटर करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए है और इस आंकड़े को पार करने के बाद फिल्म कमाई करेंगी वे मेकर्स का मुनाफा होगा। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के अलावा फिल्म में अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर ने अहम भूमिका निभाई है। जबरदस्त एक्शन थ्रिलर का डोज देती इस फिल्म को IMDb पर 8 रेटिंग मिली है। फिल्म की कमाई में पहले वीकेंड के बाद आई गिरावट से स्टेट विशेष में परेशान नजर आए थे। तरण आदर्श और सुमित कान ने इस टेक्स को इंडस्ट्री के लिए खतरनाक बताया था। फाइटर की कहानी के बारे में बात करें तो फाइटर देशभक्ति पर आधारित एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें भारतीय वायुसेना के जीवन को दिखाया गया है। फिल्म पुलवामा अटैक के बैकड्रॉप को लेकर बनाई गई है। यह कहानी है स्काउडर लीडर शमशेरा यानी ऋतिक रोशन, मीनाल राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण और कैप्टन राकेश जयसिंह यानी अनिल कपूर की है। यह तीनों कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए हमले से मारे गए 40 जवानों का बदला आतंकवादी अजगर अख्तर यानी ऋषभ सहानी से लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में फाइटर के 11वें दिन कितना कलेक्शन कर सकती है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई में आई भयानक गिरावट से स्टेट्स विशेषज्ञ परेशान थे, लेकिन अब सेकेंड वीकेंड में जबरदस्त कमबैक करके सभी को हैरान कर दिया है। ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई का ग्राफ दूसरे वीकेंड में फिर चढ़ता नजर आ रहा है।
फर्स्ट वीकेंड के बाद जहां सोमवार को फिल्म की कमाई कर गिरी थी, वही दूसरे वीकेंड में फिर एक बार फिर उसी लेवल पर उठती हुई दिख रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने सेकेंड वीकेंड के शुक्रवार को 5,57,00,000 का कमाई कर ली है। वही शनिवार को इस फिल्म ने 10,05,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 162,75,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की शनिवार की कमाई में 82.61% का उछाल देखने को मिल रहा है। सोनीमिक की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म मर को अच्छा बिजनेस कर सकती है। रविवार के लिए फैन ने 3,06,00,000 की टिकट एडवांस में बुक कर ली है। बाकी इसका बिजनेस सोमवार तक साफ हो जाएगा। फिल्म पहले हफ्ते में 146 करोड़ का बिजनेस करने के बाद दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है। अब देखना यह होगा कि क्या सिद्धार्थ आनंद के निर्देशक में बनी यह फिल्म 250 करोड़ का आंकड़ा छू पाएगी। फिल्म के लिए यह नंबर टच करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही फाइटर प्रॉफिट जोन में इंटर करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए है और इस आंकड़े को पार करने के बाद फिल्म कमाई करेंगी वे मेकर्स का मुनाफा होगा। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के अलावा फिल्म में अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर ने अहम भूमिका निभाई है। जबरदस्त एक्शन थ्रिलर का डोज देती इस फिल्म को IMDb पर 8 रेटिंग मिली है। फिल्म की कमाई में पहले वीकेंड के बाद आई गिरावट से स्टेट विशेष में परेशान नजर आए थे। तरण आदर्श और सुमित कान ने इस टेक को इंडस्ट्री के लिए खतरनाक बताया था। फाइटर की कहानी के बारे में बात करें तो फाइटर देशभक्ति पर आधारित एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें भारतीय वायुसेना के जीवन को दिखाया गया है। फिल्म पुलवामा अटैक के बैकड्रॉप को लेकर बनाई गई है। यह कहानी है स्काउडर लीडर शमशेरा यानी ऋतिक रोशन, मीना राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण और कैप्टन राकेश जयसिंह यानी अनिल कपूर की है। यह तीनों कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए हमले से मारे गए 40 जवानों का बदला आतंकवादी अजगर अख्तर यानी ऋषभ सहानी से लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में फाइटर के 11वें दिन कितना कलेक्शन कर सकती है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई में आई भयानक गिरावट से स्टेट विशेष में परेशान थे, लेकिन अब सेकेंड वीकेंड में जबरदस्त कमबैक करके सभी को हैरान कर दिया है। ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई का ग्राफ दूसरे वीकेंड में फिर चढ़ता नजर आ रहा है। फर्स्ट वीकेंड के बाद जहां सोमवार को फिल्म की कमाई कर गिरी थी, वही दूसरे वीकेंड में फिर एक बार फिर उसी लेवल पर उठती हुई दिख रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने सेकेंड वीकेंड के शुक्रवार को 5,57,00,000 का कमाई कर ली है। वही शनिवार को इस फिल्म ने 10,05,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 162,75,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की शनिवार की कमाई में 82.61% का उछाल देखने को मिल रहा है। सोनीमिक की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म मर को अच्छा बिजनेस कर सकती है। रविवार के लिए फैन ने 3,06,00,000 की टिकट एडवांस में बुक कर ली है। बाकी इसका बिजनेस सोमवार तक साफ हो जाएगा। फिल्म पहले हफ्ते में 146 करोड़ का बिजनेस करने के बाद दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है। अब देखना यह होगा कि क्या सिद्धार्थ आनंद के निर्देशक में बनी यह फिल्म 250 करोड़ का आंकड़ा छू पाएगी। फिल्म के लिए यह नंबर टच करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही फाइटर प्रॉफिट जोन में इंटर करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए है और इस आंकड़े को पार करने के बाद फिल्म कमाई करेंगी वे
मेकर्स का मुनाफा होगा। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के अलावा फिल्म में अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर ने अहम भूमिका निभाई है। जबरदस्त एक्शन थ्रिलर का डोज देती इस फिल्म को IMDb पर 1 रेटिंग मिली है। फिल्म की कमाई में पहले वीकेंड के बाद आई गिरावट से स्टार विशेषज्ञ परेशान नजर आए थे। तरण आदर्श और सुमित कान ने इस टेक्स को इंडस्ट्री के लिए खतरनाक बताया था। फाइटर की कहानी के बारे में बात करें तो फाइटर देशभक्ति पर आधारित एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें भारतीय वायुसेना के जीवन को दिखाया गया है। फिल्म पुलवामा अटैक के बैकड्रॉप को लेकर बनाई गई है। यह कहानी है स्काउडर लीडर शमशेरा यानी ऋतिक रोशन, मीनार राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण और कैप्टन राकेश जयसिंह यानी अनिल कपूर की है। यह तीनों कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए हमले से मारे गए 40 जवानों का बदला आतंकवादी अजगर अख्तर यानी ऋषभ सहानी से लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में फाइटर के 11वें दिन कितना कलेक्शन कर सकती है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई में आई भयानक गिरावट से स्टेट्स विशेषज्ञ परेशान थे, लेकिन अब सेकेंड वीकेंड में जबरदस्त कमबैक करके सभी को हैरान कर दिया है। ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई का ग्राफ दूसरे वीकेंड में फिर चढ़ता नजर आ रहा है। फर्स्ट वीकेंड के बाद जहां सोमवार को फिल्म की कमाई कर गिरी थी, वही दूसरे वीकेंड में फिर एक बार फिर उसी लेवल पर उठती हुई दिख रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने सेकेंड वीकेंड के शुक्रवार को 5,57,00,000 का कमाई कर ली है। वही शनिवार को इस फिल्म ने 10,05,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 162,75,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की शनिवार की कमाई में 82.61% का उछाल देखने को मिल रहा है। सोनीमिक की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म मार को अच्छा बिजनेस कर सकती है। रविवार के लिए फैन ने 3,06,00,000 की टिकट एडवांस में बुक कर ली है। बाकी इसका बिजनेस सोमवार तक साफ हो जाएगा। फिल्म पहले हफ्ते में 146 करोड़ का बिजनेस करने के बाद दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है। अब देखना यह होगा कि क्या सिद्धार्थ आनंद के निर्देशक में बनी यह फिल्म 250 करोड़ का आंकड़ा छू पाएगी। फिल्म के लिए यह नंबर टच करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही फाइटर प्रॉफिट जोन में इंटर करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए है और इस आंकड़े को पार करने के बाद फिल्म कमाई करेंगी वे मेकर्स का मुनाफा होगा। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के अलावा फिल्म में अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर ने अहम भूमिका निभाई है। जबरदस्त एक्शन थ्रिलर का डोज देती इस फिल्म को IMDb पर 1 रेटिंग मिली है। फिल्म की कमाई में पहले वीकेंड के बाद आई गिरावट से स्टार विशेषज्ञ परेशान नजर आए थे। तरण आदर्श और सुमित कान ने इस टेक्स को इंडस्ट्री के लिए खतरनाक बताया था। फाइटर की कहानी के बारे में बात करें तो फाइटर देशभक्ति पर आधारित एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें भारतीय वायुसेना के जीवन को दिखाया गया है। फिल्म पुलवामा अटैक के बैकड्रॉप को लेकर बनाई गई है। यह कहानी है स्काउडर लीडर शमशेरा यानी ऋतिक रोशन, मीनार राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण और कैप्टन राकेश जयसिंह यानी अनिल कपूर की है। यह तीनों कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए हमले से मारे गए 40 जवानों का बदला आतंकवादी अजगर अख्तर यानी ऋषभ सहानी से लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में फाइटर के 11वें दिन कितना कलेक्शन कर सकती है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई में आई भयानक गिरावट से स्टेट्स
विशेषज्ञ परेशान थे, लेकिन अब सेकेंड वीकेंड में जबरदस्त कमबैक करके सभी को हैरान कर दिया है। ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई का ग्राफ दूसरे वीकेंड में फिर चढ़ता नजर आ रहा है। फर्स्ट वीकेंड के बाद जहां सोमवार को फिल्म की कमाई कर गिरी थी, वही दूसरे वीकेंड में फिर एक बार फिर उसी लेवल पर उठती हुई दिख रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने सेकेंड वीकेंड के शुक्रवार को 5,57,00,000 का कमाई कर ली है। वही शनिवार को इस फिल्म ने 10,05,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 162,75,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की शनिवार की कमाई में 82.61% का उछाल देखने को मिल रहा है। सोनीमिक की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म मार को अच्छा बिजनेस कर सकती है। रविवार के लिए फैन ने 3,06,00,000 की टिकट एडवांस में बुक कर ली है। बाकी इसका बिजनेस सोमवार तक साफ हो जाएगा। फिल्म पहले हफ्ते में 146 करोड़ का बिजनेस करने के बाद दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है। अब देखना यह होगा कि क्या सिद्धार्थ आनंद के निर्देशक में बनी यह फिल्म 250 करोड़ का आंकड़ा छू पाएगी। फिल्म के लिए यह नंबर टच करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही फाइटर प्रॉफिट जोन में इंटर करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए है और इस आंकड़े को पार करने के बाद फिल्म कमाई करेंगी वे मेकर्स का मुनाफा होगा। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के अलावा फिल्म में अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर ने अहम भूमिका निभाई है। जबरदस्त एक्शन थ्रिलर का डोज देती इस फिल्म को IMDb पर 8 रेटिंग मिली है। फिल्म की कमाई में पहले वीकेंड के बाद आई गिरावट से स्टार विशेषज्ञ परेशान नजर आए थे। तरण आदर्श और सुमित कान ने इस टेक्स को इंडस्ट्री के लिए खतरनाक बताया था। फाइटर की कहानी के बारे में बात करें तो फाइटर देशभक्ति पर आधारित एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें भारतीय वायुसेना के जीवन को दिखाया गया है। फिल्म पुलवामा अटैक के बैकड्रॉप को लेकर बनाई गई है। यह कहानी है स्काउडर लीडर शमशेरा यानी ऋतिक रोशन, मीना राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण और कैप्टन राकेश जयसिंह यानी अनिल कपूर की है। यह तीनों कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए हमले से मारे गए 40 जवानों का बदला आतंकवादी अजगर अख्तर यानी ऋषभ सहानी से लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में फाइटर के 11वें दिन कितना कलेक्शन कर सकती है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई में आई भयानक गिरावट से स्टेट विशेषज्ञ परेशान थे, लेकिन अब सेकेंड वीकेंड में जबरदस्त कमबैक करके सभी को हैरान कर दिया है। ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई का ग्राफ दूसरे वीकेंड में फिर चढ़ता नजर आ रहा है। फर्स्ट वीकेंड के बाद जहां सोमवार को फिल्म की कमाई कर गिरी थी, वही दूसरे वीकेंड में फिर एक बार फिर उसी लेवल पर उठती हुई दिख रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने सेकेंड वीकेंड के शुक्रवार को 5,57,00,000 का कमाई कर ली है। वही शनिवार को इस फिल्म ने 10,05,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 162,75,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की शनिवार की कमाई में 82.61% का उछाल देखने को मिल रहा है। सोनीमिक की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म मार को अच्छा बिजनेस कर सकती है। रविवार के लिए फैन ने 3,06,00,000 की टिकट एडवांस में बुक कर ली है। बाकी इसका बिजनेस सोमवार तक साफ हो जाएगा। फिल्म पहले हफ्ते में 146 करोड़ का बिजनेस करने के बाद दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है। अब देखना यह होगा कि क्या सिद्धार्थ आनंद के निर्देशक में बनी यह फिल्म 250 करोड़ का आंकड़ा छू पाएंगी।
फिल्म के लिए यह नंबर टच करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही फाइटर प्रॉफिट जोन में इंटर करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए है और इस आंकड़े को पार करने के बाद फिल्म कमाई करेंगी वे मेकर्स का मुनाफा होगा। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के अलावा फिल्म में अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर ने अहम भूमिका निभाई है। जबरदस्त एक्शन थ्रिलर का डोज देती इस फिल्म को IMDb पर 1 रेटिंग मिली है। फिल्म की कमाई में पहले वीकेंड के बाद आई गिरावट से स्टेट विशेष में परेशान नजर आए थे। तरण आदर्श और सुमित कान ने इस स्टेट को इंडस्ट्री के लिए खतरनाक बताया था। फाइटर की कहानी के बारे में बात करें तो फाइटर देशभक्ति पर आधारित एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें भारतीय वायुसेना के जीवन को दिखाया गया है। फिल्म पुलवामा अटैक के बैकड्रॉप को लेकर बनाई गई है। यह कहानी है स्काउडर लीडर शमशेरा यानी ऋतिक रोशन, मीनाल राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण और कैप्टन राकेश जयसिंह यानी अनिल कपूर की है। यह तीनों कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए हमले से मारे गए 40 जवानों का बदला आतंकवादी अजगर अख्तर यानी ऋषभ सहानी से लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में फाइटर के 11वें दिन कितना कलेक्शन कर सकती है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई में आई भयानक गिरावट से स्टेट विशेष में परेशान थे, लेकिन अब सेकेंड वीकेंड में जबरदस्त कमबैक करके सभी को हैरान कर दिया है। ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई का ग्राफ दूसरे वीकेंड में फिर चढ़ता नजर आ रहा है। फर्स्ट वीकेंड के बाद जहां सोमवार को फिल्म की कमाई कर गिरी थी, वही दूसरे वीकेंड में फिर एक बार फिर उसी लेवल पर उठती हुई दिख रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने सेकेंड वीकेंड के शुक्रवार को 5,57,00,000 का कमाई कर ली है। वही शनिवार को इस फिल्म ने 10,05,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 162,75,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की शनिवार की कमाई में 82.61% का उछाल देखने को मिल रहा है। सोनीमिक की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म मार को अच्छा बिजनेस कर सकती है। रविवार के लिए फैन ने 3,06,00,000 की टिकट एडवांस में बुक कर ली है। बाकी इसका बिजनेस सोमवार तक साफ हो जाएगा। फिल्म पहले हफ्ते में 146 करोड़ का बिजनेस करने के बाद दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है। अब देखना यह होगा कि क्या सिद्धार्थ आनंद के निर्देशक में बनी यह फिल्म 250 करोड़ का आंकड़ा छू पाएगी। फिल्म के लिए यह नंबर टच करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही फाइटर प्रॉफिट जोन में इंटर करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए है और इस आंकड़े को पार करने के बाद फिल्म कमाई करेंगी वे मेकर्स का मुनाफा होगा। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के अलावा फिल्म में अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर ने अहम भूमिका निभाई है। जबरदस्त एक्शन थ्रिलर का डोज देती इस फिल्म को IMDb पर 1 रेटिंग मिली है। फिल्म की कमाई में पहले वीकेंड के बाद आई गिरावट से स्टेट विशेष में परेशान नजर आए थे। तरण आदर्श और सुमित कान ने इस स्टेट को इंडस्ट्री के लिए खतरनाक बताया था। फाइटर की कहानी के बारे में बात करें तो फाइटर देशभक्ति पर आधारित एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें भारतीय वायुसेना के जीवन को दिखाया गया है। फिल्म पुलवामा अटैक के बैकड्रॉप को लेकर बनाई गई है। यह कहानी है स्काउडर लीडर शमशेरा यानी ऋतिक रोशन, मीनाल राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण और कैप्टन राकेश जयसिंह यानी अनिल कपूर की है। यह तीनों कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए हमले से मारे गए 40 जवानों का बदला आतंकवादी अजगर अख्तर यानी ऋषभ सहानी से लेते हैं।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में फाइटर के 11वें दिन कितना कलेक्शन कर सकती है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई में आई भयानक गिरावट से स्टेट्स विशेष न परेशान थे, लेकिन अब सेकेंड वीकेंड में जबरदस्त कमबैक करके सभी को हैरान कर दिया है। ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई का ग्राफ दूसरे वीकेंड में फिर चढ़ता नजर आ रहा है। फर्स्ट वीकेंड के बाद जहां सोमवार को फिल्म की कमाई कर गिरी थी, वही दूसरे वीकेंड में फिर एक बार फिर उसी लेवल पर उठती हुई दिख रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने सेकेंड वीकेंड के शुक्रवार को 5,57,00,000 का कमाई कर ली है। वही शनिवार को इस फिल्म ने 10,05,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 162,75,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की शनिवार की कमाई में 82.61% का उछाल देखने को मिल रहा है। सोनीमिक की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म मार को अच्छा बिजनेस कर सकती है। रविवार के लिए फैन ने 3,06,00,000 की टिकट एडवांस में बुक कर ली है। बाकी इसका बिजनेस सोमवार तक साफ हो जाएगा। फिल्म पहले हफ्ते में 146 करोड़ का बिजनेस करने के बाद दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है। अब देखना यह होगा कि क्या सिद्धार्थ आनंद के निर्देशक में बनी यह फिल्म 250 करोड़ का आंकड़ा छू पाएगी। फिल्म के लिए यह नंबर टच करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही फाइटर प्रॉफिट जोन में इंटर करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए है और इस आंकड़े को पार करने के बाद फिल्म कमाई करेंगी वे मेकर्स का मुनाफा होगा। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के अलावा फिल्म में अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर ने अहम भूमिका निभाई है। जबरदस्त एक्शन थ्रिलर का डोज देती इस फिल्म को IMDb पर 8 रेटिंग मिली है। फिल्म की कमाई में पहले वीकेंड के बाद आई गिरावट से स्टेट विशेष में परेशान नजर आए थे। तरण आदर्श और सुमित कान ने इस स्टेट को इंडस्ट्री के लिए खतरनाक बताया था। फाइटर की कहानी के बारे में बात करें तो फाइटर देशभक्ति पर आधारित एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें भारतीय वायुसेना के जीवन को दिखाया गया है। फिल्म पुलवामा अटैक के बैकड्रॉप को लेकर बनाई गई है। यह कहानी है स्काउडर लीडर शमशेरा यानी ऋतिक रोशन, मीनार राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण और कैप्टन राकेश जयसिंह यानी अनिल कपूर की है। यह तीनों कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए हमले से मारे गए 40 जवानों का बदला आतंकवादी अजगर अख्तर यानी ऋषभ सहानी से लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में फाइटर के 11वें दिन कितना कलेक्शन कर सकती है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई में आई भयानक गिरावट से स्टेट्स विशेष न परेशान थे, लेकिन अब सेकेंड वीकेंड में जबरदस्त कमबैक करके सभी को हैरान कर दिया है। ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई का ग्राफ दूसरे वीकेंड में फिर चढ़ता नजर आ रहा है। फर्स्ट वीकेंड के बाद जहां सोमवार को फिल्म की कमाई कर गिरी थी, वही दूसरे वीकेंड में फिर एक बार फिर उसी लेवल पर उठती हुई दिख रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने सेकेंड वीकेंड के शुक्रवार को 5,57,00,000 का कमाई कर ली है। वही शनिवार को इस फिल्म ने 10,05,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 162,75,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की शनिवार की कमाई में 82.61% का उछाल देखने को मिल रहा है। सोनीमिक की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म मार को अच्छा बिजनेस कर सकती है। रविवार के लिए फैन ने 3,06,00,000 की टिकट एडवांस में बुक कर ली है।
बाकी इसका बिजनेस सोमवार तक साफ हो जाएगा। फिल्म पहले हफ्ते में 146 करोड़ का बिजनेस करने के बाद दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है। अब देखना यह होगा कि क्या सिद्धार्थ आनंद के निर्देशक में बनी यह फिल्म 250 करोड़ का आंकड़ा छू पाएगी। फिल्म के लिए यह नंबर टच करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही फाइटर प्रॉफिट जोन में इंटर करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए है और इस आंकड़े को पार करने के बाद फिल्म कमाई करेंगी वे मेकर्स का मुनाफा होगा। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के अलावा फिल्म में अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर ने अहम भूमिका निभाई है। जबरदस्त एक्शन थ्रिलर का डोज देती इस फिल्म को IMDb पर 8 रेटिंग मिली है। फिल्म की कमाई में पहले वीकेंड के बाद आई गिरावट से स्टेट विशेष में परेशान नजर आए थे। तरण आदर्श और सुमित कान ने इस स्टेट को इंडस्ट्री के लिए खतरनाक बताया था। फाइटर की कहानी के बारे में बात करें तो फाइटर देशभक्ति पर आधारित एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें भारतीय वायुसेना के जीवन को दिखाया गया है। फिल्म पुलवामा अटैक के बैकड्रॉप को लेकर बनाई गई है। यह कहानी है स्काउडर लीडर शमशेरा यानी ऋतिक रोशन, मीनार राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण और कैप्टन राकेश जयसिंह यानी अनिल कपूर की है। यह तीनों कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए हमले से मारे गए 40 जवानों का बदला आतंकवादी अजगर अख्तर यानी ऋषभ सहानी से लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में फाइटर के 11वें दिन कितना कलेक्शन कर सकती है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई में आई भयानक गिरावट से स्टेट विशेष में परेशान थे, लेकिन अब सेकेंड वीकेंड में जबरदस्त कमबैक करके सभी को हैरान कर दिया है। ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई का ग्राफ दूसरे वीकेंड में फिर चढ़ता नजर आ रहा है। फर्स्ट वीकेंड के बाद जहां सोमवार को फिल्म की कमाई कर गिरी थी वही दूसरे वीकेंड में फिर एक बार फिर उसी लेवल पर उठती हुई दिख रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने सेकेंड वीकेंड के शुक्रवार को 5,57,00,000 का कमाई कर ली है। वही शनिवार को इस फिल्म ने 10,05,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 162,75,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की शनिवार की कमाई में 82.61% का उछाल देखने को मिल रहा है। सोनीमिक की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म मार को अच्छा बिजनेस कर सकती है। रविवार के लिए फैन ने 3,06,00,000 की टिकट एडवांस में बुक कर ली है। बाकी इसका बिजनेस सोमवार तक साफ हो जाएगा। फिल्म पहले हफ्ते में 146 करोड़ का बिजनेस करने के बाद दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है। अब देखना यह होगा कि क्या सिद्धार्थ आनंद के निर्देशक में बनी यह फिल्म 250 करोड़ का आंकड़ा छू पाएगी। फिल्म के लिए यह नंबर टच करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही फाइटर प्रॉफिट जोन में इंटर करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए है और इस आंकड़े को पार करने के बाद फिल्म कमाई करेंगी वे मेकर्स का मुनाफा होगा। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के अलावा फिल्म में अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर ने अहम भूमिका निभाई है। जबरदस्त एक्शन थ्रिलर का डोज देती इस फिल्म को IMDb पर 8 रेटिंग मिली है। फिल्म की कमाई में पहले वीकेंड के बाद आई गिरावट से स्टेट विशेष में परेशान नजर आए थे। तरण आदर्श और सुमित कान ने इस स्टेट को इंडस्ट्री के लिए खतरनाक बताया था। फाइटर की कहानी के बारे में बात करें तो फाइटर देशभक्ति पर आधारित एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें भारतीय वायुसेना के जीवन को दिखाया गया है। फिल्म पुलवामा अटैक के बैकड्रॉप को लेकर बनाई गई है। यह कहानी
है स्काउडर लीडर शमशेरा यानी ऋतिक रोशन, मीना राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण और कैप्टन राकेश जयसिंह यानी अनिल कपूर की है। यह तीनों कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए हमले से मारे गए 40 जवानों का बदला आतंकवादी अजगर अख्तर यानी ऋषभ सहानी से लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में फाइटर के 11वें दिन कितना कलेक्शन कर सकती है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई में आई भयानक गिरावट से स्टेट विशेष न परेशान थे, लेकिन अब सेकेंड वीकेंड में जबरदस्त कमबैक करके सभी को हैरान कर दिया है। ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई का ग्राफ दूसरे वीकेंड में फिर चढ़ता नजर आ रहा है। फर्स्ट वीकेंड के बाद जहां सोमवार को फिल्म की कमाई कर गिरी थी, वही दूसरे वीकेंड में फिर एक बार फिर उसी लेवल पर उठती हुई दिख रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने सेकेंड वीकेंड के शुक्रवार को 5,57,00,000 का कमाई कर ली है। वही शनिवार को इस फिल्म ने 10,05,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 162,75,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की शनिवार की कमाई में 82.61% का उछाल देखने को मिल रहा है। सोनीमिक की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म मार को अच्छा बिजनेस कर सकती है। रविवार के लिए फैन ने 3,06,00,000 की टिकट एडवांस में बुक कर ली है। बाकी इसका बिजनेस सोमवार तक साफ हो जाएगा। फिल्म पहले हफ्ते में 146 करोड़ का बिजनेस करने के बाद दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है। अब देखना यह होगा कि क्या सिद्धार्थ आनंद के निर्देशक में बनी यह फिल्म 250 करोड़ का आंकड़ा छू पाएगी। फिल्म के लिए यह नंबर टच करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही फाइटर प्रॉफिट जोन में इंटर करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए है और इस आंकड़े को पार करने के बाद फिल्म कमाई करेंगी वे मेकर्स का मुनाफा होगा। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के अलावा फिल्म में अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर ने अहम भूमिका निभाई है। जबरदस्त एक्शन थ्रिलर का डोज देती इस फिल्म को IMDb पर 1 रेटिंग मिली है। फिल्म की कमाई में पहले वीकेंड के बाद आई गिरावट से स्टेट विशेष में परेशान नजर आए थे। तरण आदर्श और सुमित कांत ने इस स्टेट को इंडस्ट्री के लिए खतरनाक बताया था। फाइटर की कहानी के बारे में बात करें तो फाइटर देशभक्ति पर आधारित एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें भारतीय वायुसेना के जीवन को दिखाया गया है। फिल्म पुलवामा अटैक के बैकड्रॉप को लेकर बनाई गई है। यह कहानी है स्काउडर लीडर शमशेरा यानी ऋतिक रोशन, मीना राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण और कैप्टन राकेश जयसिंह यानी अनिल कपूर की है। यह तीनों कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए हमले से मारे गए 40 जवानों का बदला आतंकवादी अजगर अख्तर यानी ऋषभ सहानी से लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में फाइटर के 11वें दिन कितना कलेक्शन कर सकती है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई में आई भयानक गिरावट से स्टेट विशेष न परेशान थे, लेकिन अब सेकेंड वीकेंड में जबरदस्त कमबैक करके सभी को हैरान कर दिया है। ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई का ग्राफ दूसरे वीकेंड में फिर चढ़ता नजर आ रहा है। फर्स्ट वीकेंड के बाद जहां सोमवार को फिल्म की कमाई कर गिरी थी, वही दूसरे वीकेंड में फिर एक बार फिर उसी लेवल पर उठती हुई दिख रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने सेकेंड वीकेंड के शुक्रवार को 5,57,00,000 का कमाई कर ली है। वही शनिवार को इस फिल्म ने 10,05,00,000 का कलेक्शन कर लिया है।
डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 162 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की शनिवार की कमाई में 82.61% का उछाल देखने को मिल रहा है। सोनीमिक की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म मर को अच्छा बिजनेस कर सकती है। रविवार के लिए फैन ने 3.6 करोड़ की टिकट एडवांस में बुक कर ली है। बाकी इसका बिजनेस सोमवार तक साफ हो जाएगा। फिल्म पहले हफ्ते में 146 करोड़ का बिजनेस करने के बाद दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है। अब देखना यह होगा कि क्या सिद्धार्थ आनंद के निर्देशक में बनी यह फिल्म 250 करोड़ का आंकड़ा छू पाएगी। फिल्म के लिए यह नंबर टच करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही फाइटर प्रॉफिट जोन में इंटर करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए है और इस आंकड़े को पार करने के बाद फिल्म कमाई करेंगी वे मेकर्स का मुनाफा होगा। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के अलावा फिल्म में अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर ने अहम भूमिका निभाई है। जबरदस्त एक्शन थ्रिलर का डोज देती इस फिल्म को IMDb पर 8 रेटिंग मिली है। फिल्म की कमाई में पहले वीकेंड के बाद आई गिरावट से स्टेट विशेषण परेशान नजर आए थे। तरण आदर्श और सुमित कान ने इस स्टेट को इंडस्ट्री के लिए खतरनाक बताया था। फाइटर की कहानी के बारे में बात करें तो फाइटर देशभक्ति पर आधारित एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें भारतीय वायुसेना के जीवन को दिखाया गया है। फिल्म पुलवामा अटैक के बैकड्रॉप को लेकर बनाई गई है। यह कहानी है स्काउडर लीडर शमशेरा यानी ऋतिक रोशन, मीनार राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण और कैप्टन राकेश जयसिंह यानी अनिल कपूर की है। यह तीनों कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए हमले से मारे गए 40 जवानों का बदला आतंकवादी अजगर अख्तर यानी ऋषभ सहानी से लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में फाइटर के 11वें दिन कितना कलेक्शन कर सकती है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई में आई भयानक गिरावट से स्टेट विशेषण परेशान थे, लेकिन अब सेकेंड वीकेंड में जबरदस्त कमबैक करके सभी को हैरान कर दिया है। ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर की कमाई का ग्राफ दूसरे वीकेंड में फिर चढ़ता नजर आ रहा है। फर्स्ट वीकेंड के बाद जहां सोमवार को फिल्म की कमाई कर गिरी थी वही दूसरे वीकेंड में फिर एक बार फिर उसी लेवल पर उठती हुई दिख रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने सेकेंड वीकेंड के शुक्रवार को 5.57 करोड़ का कमाई कर ली है। वही शनिवार को इस फिल्म ने 10.05 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 162.75 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की शनिवार की कमाई में 82.61% का उछाल देखने को मिल रहा है। सोनीमिक की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म मर को अच्छा बिजनेस कर सकती है। रविवार के लिए फैन ने 3.6 करोड़ की टिकट एडवांस में बुक कर ली है। बाकी इसका बिजनेस सोमवार तक साफ हो जाएगा। फिल्म पहले हफ्ते में 146 करोड़ का बिजनेस करने के बाद दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है। अब देखना यह होगा कि क्या सिद्धार्थ आनंद के निर्देशक में बनी यह फिल्म 250 करोड़ का आंकड़ा छू पाएगी। फिल्म के लिए यह नंबर टच करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही फाइटर प्रॉफिट जोन में इंटर करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए है और इस आंकड़े को पार करने के बाद फिल्म कमाई करेंगी वे मेकर्स का मुनाफा होगा। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के अलावा फिल्म में अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर ने अहम भूमिका निभाई है। जबरदस्त एक्शन थ्रिलर का डोज देती इस फिल्म को IMDb पर 8 रेटिंग मिली है। फिल्म की कमाई में
पहले वीकेंड के बाद आई गिरावट से स्टेट विशेषज्ञ परेशान नजर आए थे। तरण आदर्श और सुमित कान ने इस टेक्स को इंडस्ट्री के लिए खतरनाक बताया था। फाइटर की कहानी के बारे में बात करें तो फाइटर देशभक्ति पर आधारित एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें भारतीय वायुसेना के जीवन को दिखाया गया है। फिल्म पुलवामा अटैक के बैकड्रॉप को लेकर बनाई गई है। यह कहानी है स्काउडर लीडर शमशेरा यानी ऋतिक रोशन, मीना राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण और कैप्टन राकेश जयसिंह यानी अनिल कपूर की है। यह तीनों कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए हमले से मारे गए 40 जवानों का बदला आतंकवादी अजगर अख्तर यानी ऋषभ सहानी से लेते हैं।